हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज़ रमाकांत। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए लाइव और वीडियो कर दीजिए लाइक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो एवरीवन, हेलो सभी को। यदि फ्रेंड्स मेरी आवाज़ आ रही है तो यस लिखिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने NTU सेट एग्ज़ाम के लिए लाइव मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। फ्रेंड्स, ये आज हमारा ICT का लेक्चर 7 है, यानी कि पार्ट 7 है। यदि आपने इससे प्रीवियस 6 लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी है फ्रेंड्स। और साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन भी चल रहा है, जिसमें 3 लेक्चर आ चुके हैं और उसे हम आगे कभी कंटिन्यू करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पर 10-10 लेक्चर लग चुके हैं। हम आपको उसमें 100-100 MCQ प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। फ्रेंड, मॉक टेस्ट सीरीज़ वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और फ्रेंड्स, यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। टेलीग्राम में सर्च करें साइंस कॉमर्स एकेडमी, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यही लोगो लगा है जो कि हमारे YouTube चैनल का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और यदि फ्रेंड्स आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आइए, फ्रेंड्स 91 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे 6 लेक्चर लग चुके हैं, तो फ्रेंड्स हमारे 90 क्वेश्चन तक बात हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। आज भी हम आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे 91 से लेकर 105 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम, और आइए कुछ नया सीखते हैं। ए वायरस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ध्यान से पढ़िए एक वर्ड, विदाउट यूज़र इंटरेक्शन व्हाट कैन बी सेड। यानी कि एक वायरस जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना यूज़र इंटरेक्शन के ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्या कहा जाएगा उसे फ्रेंड? एक ऐसा वायरस जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना किसी यूज़र इंटरफेस के, बिना किसी यूज़र इंटरेक्शन के, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो वह क्या कहलाता है? फर्स्ट नंबर पे वॉर्म कहलाता है, सेकंड पे है ट्रोजन कहलाता है, थर्ड पे है लॉगिंग, मतलब जो हमारा प्रवेश करना जो बता रहा है ये, वो कहलाता है, या फोर्थ नंबर पे है बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए और साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए। जैसे कि आपको पता है हम डेली एब्रीवेशन भी करा रहे हैं बीच बीच में, आपको पता होंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट डाउन करने के काम आपको आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। फ्रेंड, इस वाले जो ये क्वेश्चन चल रहा है, इस पर भी हमारी बात हो चुकी है, पहले आ चुका है फ्रेंड्स इसमें का, बट इसने अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, मैं अपना आंसर देता हूँ अब। 91 का आंसर है हमारा फर्स्ट, क्या है? वॉर्म कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक ऐसा वायरस जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर है बिना किसी यूज़र इंटरेक्शन के ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो क्या होता है? वॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन ज्ञान से है फ्रेंड, जो हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन को जो दे रखे हैं फ्रेंड्स हमारे ICT में, वही है फ्रेंड्स ज्ञान। ज्ञान क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड। क्या है? हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू, यानी कि ज्ञान जो है एक भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, मतलब इसका मोटिव बताना, ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब किस पर्पज से इसे किया गया। तो फर्स्ट नंबर पे एनकरेज इंडियन स्कॉलर्स टू लर्न अब्रॉड, यानी कि विदेश में सीखने के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना। सेकेंड नंबर पर डिस्करेज इंडियन स्कॉलर फ्रॉम रिसर्चिंग इन इंडिया, यानी कि भारतीय विद्वानों को भारत में शोध से हतोत्साहित करना। थर्ड नंबर पे है एनकरेज ग्लोबल स्कॉलर्स एंगेज विद देयर काउंटर पार्ट इन
इंडियन के वैश्विक विद्वान भारत में अपने काउंटर पार्ट्स के साथ प्रोत्साहित करें। और फोर्थ नंबर पे एनकरेज ग्लोबल स्कॉलर टू एंगेज विद इंडियन स्कॉलर अब्रॉड, इनके वैश्विक विद्वानों को विदेशों में भारतीय विद्वानों के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स बताइए ज्ञान का क्या पर्पस था ज्ञान को लाने का। यदि आपने ज्ञान के बारे में पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। फ्रेंड्स जल्दी से बताने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स देखिए जो हमारा नया पार्ट लगा आईसीटी में डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन पुट अप हो ही रहे हैं, आईसीटी में आपको मिल जाएंगे एक से दो क्वेश्चन। फ्रेंड इनसे कुछ नहीं तो स्वयं के बारे में पूछ लेता है, ज्ञान के बारे में, ज्ञानवाणी के बारे में, ज्ञान दर्शन के बारे में, कोई ना कोई एक टॉपिक उठा के उससे हर एक शिफ्ट में पूछ लेता है फ्रेंड्स वो एग्जामिनर। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है इसका। सही फ्रेंड्स आंसर दीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है इसका। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर बताता हूँ। 92 का आंसर है हमारा थर्ड। क्या है फ्रेंड्स? थर्ड, एनकरेज करना ग्लोबल स्कॉलर्स को एंगेज विद देयर काउंटर पार्ट इन इंडिया, वैश्विक विद्वान भारत में अपने काउंटर पार्ट्स के साथ प्रोत्साहित करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताएं ASF की फुल फॉर्म बताएं फ्रेंड्स, ASF की फुल फॉर्म बताएं सभी फ्रेंड्स, ASF की फुल फॉर्म क्या होगी? सभी बताएं फ्रेंड्स ASF की फुल फॉर्म, जल्दी से बताने की कोशिश करिए फ्रेंड्स ASF की फुल फॉर्म क्या होगी। आइए फ्रेंड अब मैं बताता हूँ आपको, यदि लिख दी हो आपने तो ASF की फुल फॉर्म है हमारी एक्टिव स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। क्या है? एक्टिव स्ट्रीमिंग फॉर्मेट, ए से एक्टिव, एस से स्ट्रीमिंग, एफ से फॉर्मेट, एक्टिव स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। तो ठीक है फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। 93 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ए ग्रुप एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी टू अनदर ग्रुप लैक ऑफ एक्सेस टू इट विल कॉज ए डिस्पैरिटी नोन एज, यानी किसी अन्य समूह तक डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए एक समूह का उपयोग एक असमानता का कारण होगा। फर्स्ट नंबर पर दिया इंटरनेट इनइक्वालिटी यानी कि इंटरनेट असमानता, सेकेंड पर दिया वेब इनइक्वालिटी यानी कि वेब असमानता, थर्ड नंबर पे है टेक्नोलॉजिकल इम्बेलेंस यानी तकनीकी असंतुलन, और फोर्थ नंबर पे डिजिटल डिवाइड। ठीक है फ्रेंड्स जल्दी से बताएं क्या आंसर होने वाला है इसका। किसी अन्य समूह तक डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए एक समूह का उपयोग एक असमानता का कारण होगा। कौन से का होगा? इंटरनेट इनइक्वालिटी, वेब इनइक्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल इम्बेलेंस या डिजिटल डिवाइड? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। फ्रेंड ये सभी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं फ्रेंड्स अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से, हमारे जून के और दिसंबर के फ्रेंड्स मिक्स कर रखे हैं हमने ताकि आपको हेल्प हो सके। आपको पता है 10-10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, 10 शिफ्ट लगी पूरी, तो आप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने सारे क्वेश्चन हो गए होंगे आईसीटी के, हर एक में 5 है ना, 50 क्वेश्चन हो गए हमारे एक एग्ज़ाम के ही, तो आप समझ सकते हैं। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। आइए फ्रेंड मैं अपना आंसर बताता हूँ। 93 का आंसर है हमारा फोर्थ। क्या है? डिजिटल डिवाइड। ठीक है फ्रेंड ध्यान रख लीजिएगा कि किसी अन्य समूह तक डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए एक समूह का उपयोग एक असमानता कारण होगा, डिजिटल डिवाइड। ठीक है फ्रेंड डिजिटल का विभाजन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब आप मुझे बताएं फ्रेंड्स AVI की फुल फॉर्म जल्दी से बताएं फ्रेंड्स AVI की फुल फॉर्म क्या होगी। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करिए AVI की फुल फॉर्म। जल्दी जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स, और यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जल्दी से फ्रेंड्स, ताकि और भी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ सकें, उन्हें भी हेल्प हो सके। तो बताएं फ्रेंड्स AVI की फुल फॉर्म क्या होगी। सही फ्रेंड्स आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूँ आपको AVI की फुल फॉर्म क्या है। AVI की फुल फॉर्म है ऑडियो विजुअल इंटरलीविंग, ऑडियो विजुअल इंटरलीविंग, आई से है हमारा इंटरलीविंग। ठीक है फ्रेंड्स तो याद रख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 94 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कॉम्पोनेंट इज
फास्टेस्ट इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ एक्सीजन के निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर घटक पहुंच की गति के मामले में सबसे तेज है? ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट नंबर पर दिया यूएसबी ड्राइव, सेकंड पर दिया हमारा एसएस ड्राइव, एसएसडी जो होती है हमारी, एक होती है एचडीडी है हमारा, एक होती है हमारी एसएसडी जिसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है फ्रेंड, और हमारी थर्ड नंबर पर दिया रैम, फोर्थ नंबर पर दिया है हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे हम एचडीडी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारी दो तरह की डिस्क ड्राइव होती हैं, एक तो हमारी अब ये नई बन गई है हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे एसएसडी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे मोबाइल की बैटरी की तरह होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए फ्रेंड्स मैं अपना आंसर बताता हूँ। अब 94 का हमारा आंसर है थर्ड, क्या है फ्रेंड्स? रैम है। क्या होगा? रैम है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज फास्टेस्ट इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ एक्सीजन, सबसे ज़्यादा फास्ट कौन है? रैम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। अब आप मुझे बताएं ए एस जी की फुल फॉर्म जल्दी से बताने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। सभी फ्रेंड्स आंसर दें, ASG की फुल फॉर्म क्या होगी? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, ASG की फुल फॉर्म क्या होगी? सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए फ्रेंड अब मैं बताता हूं आपको, ASG की फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट सिमेंटिक ग्राफ। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सिमेंटिक ग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री, ध्यान से पढ़िएगा क्या वर्ड, क्या कहा इन्होंने? सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री, यानी कि सॉफ्टवेयर जिसे आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे दिया बट हैव टू पे टू कंटिन्यू इट्स यूज आफ्टर ए ट्रायल पीरियड इज कॉल्ड, यानी कि लेकिन परीक्षण जो ट्रायल अवधि होती है, ट्रायल पीरियड होता है परीक्षण अवधि के बाद इसका उपयोग जारी रखने के लिए उसे भुगतान करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है? फर्स्ट नंबर पर होगा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा फ्रेंड्स वो जो डाउनलोड तो फ्री में हो जाता है केवल ट्रायल के लिए, और यदि उसको यूज़ करोगे बाद में तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पर दिया पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जिसे हम सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, सेकंड नंबर पर दिया फ्रीवेयर बोलेंगे उसे हम, थर्ड पे बोलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलेंगे, और फोर्थ नंबर पे हमारा शेयरवेयर बोलेंगे। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या बोलेंगे उसे हम? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होगा, फ्रीवेयर होगा, शेयरवेयर होगा, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा जिसे हम डाउनलोड तो फ्री में कर सकते हैं बट आगे उसे कंटिन्यू रखने के लिए हमें उसका पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए आंसर। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करिए। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर बताता हूँ। 95 का हमारा आंसर है फोर्थ, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? शेयरवेयर बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे? शेयरवेयर। अब आप फ्रेंड्स मुझे बताएं ATA की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स? ATA की फुल फॉर्म क्या होगी? ATA की फुल फॉर्म बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। ATA की फुल फॉर्म, जिनको नहीं पता वो बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें जिनको पता है। आइए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूं आपको, ATA की फुल फॉर्म है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्किप करके मत जाइएगा फ्रेंड्स, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा समझ सकते हैं, और मैं क्या बोल सकता हूं इसके अलावा। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइंस इज पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक डिजाइन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का एक हिस्सा है? ठीक है फ्रेंड्स, आपको आप इनको एक क्वाड्रेंट के रूप में भी समझ सकते हैं। यदि आपने स्वयं के बारे में पढ़ा होगा तो आपने देखे होंगे उसके क्या होते हैं, फोर क्वाड्रेंट होते हैं उसके।
ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक हिंट दे रहा हूँ मैं, फोर क्वाड्रेंट होते हैं, उन्हीं में से आपको इसमें समझ के लगाना है। इन्होंने फर्स्ट नंबर पे दिया ई ट्यूटोरियल, सेकंड पे दिया ई कंटेंट, थर्ड पर दिया असेसमेंट, फोर्थ पर दिया डिस्कशन फोरम, फिफ्थ पर दिया क्लासरूम टीचिंग। तो फ्रेंड्स आपको चूज़ करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कोड आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट पे दिया फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड पे दिया फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ ओनली, थर्ड पर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओनली, और फोर्थ पे दिया थर्ड एंड फिफ्थ ओनली। तो फ्रेंड्स बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। यदि आपने स्वयं के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसे बना ले जाएंगे, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर दे देता हूँ। 96 का हमारा आंसर है थर्ड। क्या है फ्रेंड? थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन कौन सा? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, असेसमेंट और डिस्कशन फोरम। ठीक है फ्रेंड, क्लासरूम टीचिंग नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वयं जो है हमारा ऑनलाइन पोर्टल है। कैसा है? ऑनलाइन। तो यहाँ क्लासरूम टीचिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना। ई ट्यूटोरियल होगा, ई कंटेंट मिलेगा, असेसमेंट होगा और डिस्कशन फोरम भी होगा, क्लासरूम टीचिंग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो हमारा क्लासरूम टीचिंग है वो हमारा फिजिकल मोड में ही होगा, ऑनलाइन में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले आप मुझे बताएं ASIC की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड। ASIC की फुल फॉर्म जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, ASIC की फुल फॉर्म क्या होगी। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स। क्या होने वाला है इसका आंसर? ASIC की फुल फॉर्म क्या है? आइए फ्रेंड्स यदि आपने दे दी तो मैं दे देता हूँ। ASIC की फुल फॉर्म है हमारी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट। इसे क्या है? एप्लीकेशन, एस से स्पेसिफिक, आई से इंटीग्रेशन, सी से सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगी? एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यह है फ्रेंड ज्ञान दर्शन से। किससे है? ज्ञान दर्शन से। क्या दिया? ज्ञान दर्शन लॉन्च्ड बाय इग्नू। किसने करा है? इग्नू ने करा है, जैसे हमने आपसे बात करी थी है ना। रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स कल ही इस पर एक हमारा लेक्चर जो आया था उसमें हमने ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी सभी पर बता दिया था आपको ट्रिक के साथ। अब आप मुझे बताएं फ्रेंड, इग्नू द्वारा शुरू किया गया ज्ञान दर्शन इनमें से किसको संदर्भित करता है? फर्स्ट नंबर पे है सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल है, या सेकंड नंबर पे है एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क है, थर्ड पर दिया ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स है, फोर्थ नंबर पे है ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से बताएं क्या होगा हमारा। हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्या होने वाला है इसका आंसर। हमने ज्ञान दर्शन के बारे में आपको क्या बताई थी ट्रिक? मुझे लगता है आपको इसमें ज़्यादा देर लगेगी फ्रेंड्स। सभी फ्रेंड्स आंसर दें। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर बता देता हूँ। 97 का आंसर है हमारा फर्स्ट। क्या है? एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल है टीवी चैनल। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आपने बताया था दूरदर्शन हमारा क्या है? टीवी चैनल तो है, ऐसी दूरदर्शन से आपको ध्यान रखना है ज्ञान दर्शन। दर्शन से मतलब ध्यान रखिएगा टीवी चैनल है। ठीक है, कैसा है? सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल है। और क्या बताया उन्होंने? एजुकेशनल FM रेडियो जो है वो हमारा ज्ञानवाणी से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आकाशवाणी रेडियो से वो संबंधित है, ऐसी हमारी जो ज्ञानवाणी है वो भी हमारी FM रेडियो से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रिक के साथ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ऐसे के ऐसे ही पूछ सकता है फ्रेंड्स, ध्यान रखें, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएं फ्रेंड्स, ASG की फुल फॉर्म क्या होगी? ASG की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स? सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। ASG की फुल फॉर्म, सही फ्रेंड्स आंसर दें। और साथ साथ बताएं IHV की फुल फॉर्म, IHV की फुल फॉर्म जल्दी से बताएं। सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें।
ASG की फुल फॉर्म और IHV की फुल फॉर्म। आई फ्रेंड, मैं आपको इतने ASG की बताता हूँ। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सिमेंटिक ग्राफ। एब्स्ट्रैक्ट सिमेंटिक ग्राफ और IHV की फुल फॉर्म है हमारी इंडिपेंडेंट हार्डवेयर वेंडर। इंडिपेंडेंट हार्डवेयर वेंडर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब आपको जैसे कि हमने आपको बताया था, इनसे प्रीवियस लेक्चर जो लगे हैं उसमें हमने डेसिमल से बाइनरी में मतलब कन्वर्ट करना बताया था। उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके थे। आज ये फ्रेंड्स आया है हमारा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जल्दी से फ्रेंड्स बताइए, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। डेसिमल टू बाइनरी मैंने आपको बता दिया है। यदि नहीं जानते आप तो प्रीवियस लेक्चर हमारा देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स। बहुत से बच्चे फ्रेंड्स तुक्के के साथ लगा कहते हैं, बट तुक्के के साथ लगाना सही नहीं होता है। सही फ्रेंड्स आंसर दें, यदि आपको आता है तो जरूर लगाइए। आइए फ्रेंड, मैं आपको समझा देता हूँ। जिनको पता है वो और देख लीजिए, जिनको नहीं पता वो अच्छे से समझ लीजिए। इन्होंने हमें क्या वर्ड दिया है, क्या दे रखा है? हमें दिया 1 1 0 0 1 1 0, यही तो दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम जैसे हम बाइनरी में, जैसे अगर हमारा ये आंसर निकल के आता तो हम किस तरह से समझते हैं इसको? इधर से गिनते 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम इसके नीचे गिनती लिख लेंगे। जैसे ये हमारा 6 नंबर पे है, ये 5 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, ये 1 पे आ रहा है, और ये हमारा 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप जानते हैं कि बाइनरी को हम जो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे करते हैं? 2 से तो डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे बाइनरी में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, 0 और 1। तो वही अब यहाँ 2 2 के नीचे लिख लेंगे हम 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे हम, अब सीधे सीधे जो ऊपर गिनती लिखी है इन्हें इसकी पावर बना देंगे। 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। अब इसी तरह से लिख लेंगे फ्रेंड्स। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत से बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, इस तरह से लिख सकते हैं। बट इसको हम अपने माइंड में ले लेंगे, है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, तो हमारा 64 आ जाता है। ऐसे इसको करेंगे हम तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 5 तक पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 32, ठीक है फ्रेंड्स। अब यदि 2 की पावर 4 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है, 16 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 2 4 और 4 2 8, ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो गया, और 2 की पावर 0 में करेंगे तो 1 रह जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स, जगह नहीं है मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमारा क्या आया, 64 आया, 32। अब क्या करना है, जो हमारे ऊपर एक ये जो दिया था हमें नंबर, इससे हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 64 इंटू 1 कर देंगे, है ना। तो 64, जैसे आपको अभी इसको सॉल्व हटा के बताता हूँ कितना है। इसको मैं हटा देता हूँ फ्रेंड्स, यदि आपने देख लीजिएगा फ्रेंड्स किस तरह से। आइए मैं इसको हटा देता हूँ। क्या क्या आया था हमारा? 64 आया था, 32 था, एक मिनट, 64 था, 32 था, 16 था, 8 था, 4 2 1, यही तो था। अब यहाँ हमारे क्या नंबर है ये, इसको देख लीजिए आप। 64 के नीचे इंटू 1 इंटू 1, 16 के नीचे 0 आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, 8 के नीचे भी 0 आ रहा है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, और 1 के नीचे 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे हम, 64 वन ज़ा 64 हो जाएगा, प्लस लगाते जाएंगे 32 वन ज़ा 32, 16 की 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 8 की 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 4 की 1 में करेंगे 4 आ जाएगा, 2 की 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, और उसमें 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको ऐड कर लेंगे, 62 हो गई, 32 हो गई, एक 4 है हमारे पास, एक 2 है, तो आप जोड़ लीजिए कितने होगा फ्रेंड्स,
चार और दो छः और दो आठ और चार बारह, बारह का दो वहाँ से लगा एक, तीन और एक चार, चार और छः दस, हमारा हो गया 102। 102 हमारा कौन सा आ रहा है? फर्स्ट नंबर पर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या होगा हमारा? 102। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से लगाते हैं बाइनरी टू डेसिमल में, यही तरीका है। आप अच्छे समझ गए होंगे, आई हो। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 99 क्वेश्चन। व्हाट इज स्पेवेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में स्पाईवेयर क्या है? फर्स्ट नंबर पे दिया सॉफ्टवेयर दैट एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन विदाउट हिज नॉलेज एंड दैट मे सेंड सच इन्फॉर्मेशन टू अनदर एंटिटी, यानी कि सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना, है ना, उसकी जानकारी के बिना जानकारी इकट्ठा करना है, और वह ऐसी जानकारी किसी अन्य संस्था को क्या करता है, सेंड कर देता है, भेज देता है, ठीक है फ्रेंड, अनदर एंटिटी को। सेकंड नंबर पे दिया लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दैट अलाउज कंपनीज टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज द कंप्यूटर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज फ्रॉम ए सेंट्रल लोकेशन, के वैध सॉफ्टवेयर जो कंपनियों को सेंट्रल यानी कि केंद्रीय स्थान से अपने कर्मचारियों के कंप्यूटर की निगरानी और उसे कंट्रोल निगरानी करने की अनुमति देता है। थर्ड नंबर पे हमारा सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन ऑफ और गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कि सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर ऑपरेशन को बाधित करने या निजी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर पे एक कंप्यूटर प्रोग्राम हिडन विद इन अनदर सीमिंगली हार्मलेस प्रोग्राम दैट प्रोड्यूसेस कॉपीज ऑफ इट्सेल्फ एंड इंसर्ट्स देम इनटू अनदर प्रोग्राम्स और फाइल्स, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो दूसरे प्रतीत होने वाले हानि रहित कार्यक्रम के भीतर छिपा होता है, जो स्वयं की प्रतियां तैयार करता है और उन्हें किसी अन्य प्रोग्राम या फाइलों में सम्मिलित करता है। तो फ्रेंड्स बताइए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में स्पाईवेयर क्या है? सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको पता होगा फ्रेंड्स। जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर बताता हूँ आपको। 99 का हमारा आंसर है फर्स्ट। क्या है फ्रेंड्स? सॉफ्टवेयर दैट एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन विदाउट हिज नॉलेज एंड दैट मे सेंड सच इन्फॉर्मेशन टू अनदर एंटिटी, यानी कि सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना, विदाउट हिज नॉलेज, है ना, उसकी जानकारी के बिना जानकारी इकट्ठा करना है, और वह ऐसी जानकारी किसी अन्य संस्था को सेंड कर देता है, भेज सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए स्पाईवेयर क्या है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 100वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जतिन्स लैपटॉप हैज़ ए LCD स्क्रीन, ठीक है। द एक्रोनम्स LCD स्टैंड्स फॉर, यानी कि LCD के फुल फॉर्म बतानी है और कोई नहीं फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। फर्स्ट नंबर पर लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, सेकेंड नंबर पर लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, थर्ड नंबर पे लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले और फोर्थ नंबर पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो फ्रेंड्स इस पर हमारी बात हो चुकी है एब्रीविएशन के टाइम, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स LCD की फुल फॉर्म क्या है। आई होप कि आपको पता होगी फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर दें। सही फ्रेंड्स आंसर दे करें। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर बताता हूँ। 100 का आंसर है हमारा फोर्थ। क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है फ्रेंड। क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब आप फ्रेंड मुझे बताएं ICM की फुल फॉर्म बताएं, ICM की फुल फॉर्म बताएं और साथ साथ बताएं WDM की, ICM की और WDM की, दोनों की फ्रेंड्स जल्दी से बताएं क्या होगी, ICM की और WDM की। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। ICM की और WDM की,
आइए फ्रेंड्स, मैं आपको ICM की बताता हूँ। ICM की है इमेज कलर मैनेजमेंट। क्या है? इमेज कलर मैनेजमेंट। अब WDM की बात करें तो WDM की है वेव डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। क्या है? वेव डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स लिख लीजिएगा अपने पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्वयं की फुल फॉर्म बतानी है फ्रेंड्स आपको। कितना ईजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वयं की फुल फॉर्म बतानी है। स्वयं रेफर्स टू क्या है हमारा? स्टडी वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। सेकंड नंबर पे है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। थर्ड पे है स्टडी वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एलाइंग माइंड्स। और फोर्थ नंबर पे है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ अवेयरनेस मॉडल। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है इसका। बहुत ही ईजी सा है फ्रेंड्स, आई होप कि सभी फ्रेंड्स आंसर दे लेंगे इसको, क्योंकि अब तो स्वयं इतना जाना पहचाना नाम हो गया है जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, और तीन तीन यूनिट में आ रहा है हमारा, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी है, ICT में भी है, और हायर एजुकेशन में भी है। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताएं। आइए फ्रेंड्स, अब मैं अपना आंसर बताता हूँ। हमारा आंसर है सेकेंड। क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब आप फ्रेंड मुझे बताएं LBP की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स। LBP की फुल फॉर्म, LBP की फुल फॉर्म बताएं, और साथ साथ बताएं MIDP की फुल फॉर्म। MIDP की फुल फॉर्म, LBP की बताएं और MIDP की बताएं। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, LBP की और MIDP की। MIDP की, ठीक है फ्रेंड्स जल्दी से बताएं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको LBP की बता देता हूँ। LBP की फुल फॉर्म है हमारी लेज़र बीम प्रिंटर, लेज़र बीम प्रिंटर। ठीक है फ्रेंड्स, और MIDP की बात करें तो MIDP की है मोबाइल इंफॉर्मेशन डिवाइस प्रोफाइल्स, मोबाइल इंफॉर्मेशन डिवाइस प्रोफाइल। ठीक है फ्रेंड, मोबाइल इन्फॉर्मेशन डिवाइस प्रोफाइल। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 102 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन टर्म्स ऑफ IT ICT विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्पैमिंग। अब फ्रेंड आपको बताना है स्पैमिंग के बारे में। ठीक है फ्रेंड, IT ICT के संदर्भ में कौन सा कथन स्पैमिंग के बारे में सही है? स्पैमिंग के बारे में, स्पैमिंग तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स क्या होता है स्पैमिंग। फर्स्ट नंबर पे है स्पैमिंग ए लार्ज नंबर ऑफ लिसनर्स आर सेंडिंग, ठीक है फ्रेंड्स, अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग मैसेज और ईमेलिंग देम, यानी कि बड़ी संख्या में श्रोताओं को अनचाहे विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें क्या करना, ईमेल करना। सेकंड नंबर पे स्पैमिंग चैट टॉक्स नीड टू बी रिटन बाय राइटिंग रोज ऑफ मीनिंगलेस रिजिड डायलॉग्स, यानी कि चटपटी बातचीत वार्ता को व्यर्थ कठोर संवाद की पंक्तियां लिखकर लिखने की जरूरत है। थर्ड नंबर पे है स्पैमिंग पोस्ट ए मैसेज दैट कंटेन्स एंड ऑब्जेक्शनल आर्टिकल, यानी कि स्पैमिंग एक मैसेज पोस्ट करता है जिसमें कोई आपत्तिजनक लेख होता है, ठीक है फ्रेंड, ऑब्जेक्शनल आर्टिकल होता है। फोर्थ नंबर पे है स्पैमिंग ट्रस्ट इट इज टू ऑब्टेन सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर malicious reasons by resorting to digits in the form of a qualified person, यानी कि विश्वास योग्य व्यक्ति के रूप में छल का सहारा लेकर दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदी जानकारी प्राप्त करना, विश्वास को फैलाना है। तो फ्रेंड जल्दी से बताएं कौन सा क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करिए। सिर्फ फ्रेंड या स्पैमिंग के बारे में पूछा गया है, स्पैमिंग का सीधे सीधे मतलब आपको बताना है। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। आइए अब मैं अपना आंसर बताता हूं फ्रेंड्स। 102 का आंसर है हमारा फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड, सीधा सीधा हिसाब था कि जो स्पैमिंग ए लार्ज नंबर ऑफ लिसनर्स आर सेंडिंग अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजिंग मैसेज और ईमेल देम, यानी कि बड़ी संख्या में श्रोताओं को अनचाहे विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना क्या होता है, स्पैमिंग होता है। ठीक है फ्रेंड,
अब आप फ्रेंड मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं VGCT की फुल फॉर्म बताएं फ्रेंड, VGCT की फुल फॉर्म बताएं, VGCT की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड, VGCT की फुल फॉर्म। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, VGCT की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स VGCT की फुल फॉर्म। आइए मैं बताता हूँ आपको, VGCT की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स करेक्टर टेबल, वीडियो ग्राफिक्स करेक्टर टेबल, ठीक है फ्रेंड्स, वी से वीडियो, जी से ग्राफिक, सी से करेक्टर, टी से टेबल, वीडियो ग्राफिक्स करेक्टर टेबल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 183 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क, ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्री FM रेडियो नेटवर्क से आ गया, जल्दी से बताएं निम्नलिखित में से कौन एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञान वाणी है, ज्ञान धारा है या ज्ञान है। फ्रेंड्स देख कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं इससे, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्या जा रहा है, एक बार में ट्रिक के साथ याद कर लो, बार 10 बार पूछ लो, हम 10 बार आंसर देने को तैयार हैं, है ना फ्रेंड्स। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क, तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसका तो आंसर दे ही दीजिए करे, वो तो गलत नहीं होगा, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा गलत हो जाएगा, जो इजी क्वेश्चन है वो तो नहीं होगा ना गलत। आई फ्रेंड अब मैं अपना आंसर देता हूँ आपको, 183 का आंसर है हमारा 2, ज्ञानवाणी, जैसे कि मैंने आपको बताया था आकाशवाणी रेडियो से रिलेटेड है, ऐसी हमारा ज्ञानवाणी FM रेडियो नेटवर्क है, बस ये कैसा है, ये एक एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और फ्रेंड्स अब आप मुझे बताएं WINFS, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स WINFS की फुल फॉर्म क्या होगी, छोटी सी है फ्रेंड्स, आपको देखने में बड़ा लग रहा है ये, बट है छोटी सी, WINFS। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, आइए फ्रेंड अब मैं आपका बता देता हूँ क्या है इसकी फुल फॉर्म, WI से है विंडोज, ठीक है फ्रेंड, WIN से, बल्कि बात करें WIN से हमारा हो गया विंडोज, F से फ्यूचर और S से स्टोरेज, विंडोज फ्यूचर स्टोरेज, ठीक है फ्रेंड, WIN से तो विंडो हो जाता है हमारा, F से फ्यूचर, S से स्टोरेज, तो यहाँ ध्यान रखिएगा विंडोज फ्यूचर स्टोरेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 104 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर, ध्यान रखिएगा, इंटेंशनली inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मेलवेयर जानबूझकर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला गया है जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर दुर्भावनापूर्ण फंक्शन को बंद कर देगा, ध्यान से रखिएगा बंद कर देगा, तो क्या कहलाएगा, वो वॉर्म कहलाएगा, सेकेंड नंबर ट्रोजन कहलाएगा, स्पाईवेयर कहलाएगा या लॉजिक बॉम्ब कहलाएगा, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होने वाला है इसका, सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। ध्यान से पढ़ें, इसमें पूछा क्या गया है, फिर जल्दी से आंसर दें फ्रेंड्स, यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर बताता हूं आपको, 104 का आंसर है हमारा 4th, क्या कहलाएगा, वो लॉजिक बॉम्ब, एक लॉजिक के साथ में उसे इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और दुर्भावनापूर्ण हमारा जो फंक्शन है उसे बंद कर देता है यदि शर्तों को पूरा कर दे, तो एक लॉजिक के साथ बनाया हुआ होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 105 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वाइल सेंडिंग एन ईमेल टू डिफ्रेंशिएट अमंग टू CC यानी कार्बन कॉपी और BCC से ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बस ये बताना है आपको, 2 CC और BCC फील्ड्स में अंतर करने के लिए एक ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, फर्स्ट नंबर पे है रिसिपियंट्स इन द टू, ध्यान से पढ़िएगा टू, फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इन द BCC एंड CC फील्ड, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टू जो है फील्ड में प्राप्त करता हूँ
प्राप्तकर्ता जो है ईमेल पते को बीसीसी और सीसीसी फील्ड में है देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड नंबर पे रिसिपिएंट्स इन द सीसी जो हमारे कार्बन कॉपी वाले हैं फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इन द टू एंड बीसीसी फील्ड, यानी कि सीसी वाले जो हैं कार्बन कॉपी वाले जो हैं फील्ड्स में प्राप्तकर्ता उस ईमेल पते को देख सकते हैं जो टू और बीसीसी फील्ड्स में है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पे दिया रिसिपिएंट्स इन द बीसीसी फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इन द टू एंड सीसी फील्ड, यानी कि जो बीसीसी में है ब्लाइंड कार्बन कॉपी में पड़े हुए हैं प्राप्तकर्ता फील्ड्स में फील्ड्स ईमेल पते को देख सकते हैं जो टू और सीसी फील्ड्स में हैं। या फोर्थ नंबर पे ओनली द रिसिपिएंट्स इन द सीसी फील्ड कैन सी द अदर ईमेल एड्रेस इन द बीसीसी फील्ड, यानी कि जो सीसी फील्ड्स में केवल प्राप्तकर्ता है बीसीसी फील्ड में अन्य ईमेल पते को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा, इससे रिलेटेड हमारे दो तीन क्वेश्चन डेली आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछा जा रहा है और 2018 में पूछा गया था दिसंबर में भी, इसमें इससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया था फ्रेंड्स। ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है कि आपसे अगर पता होगा तो आप लगा ले जाएंगे, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, कौन देख पाएगा। उसमें चार पांच आपको ईमेल दे रखी थी और टू सीसी और बीसीसी के साथ उसे बनाकर दे रखा था और आपको बताना था। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका, आई होप कि आपको पता होगा। आइए फ्रेंड्स अब मैं अपना आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है हमारा थर्ड है, क्या रिसिपिएंट्स इन द बीसीसी फील्ड्स कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इन द टू एंड सीसी फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।